Make you alright， 享受秋天的夏天，别窝在家里面，不如去海边，不算浪费时间。Hey sorry， 但是我会一直在你身边。जी ये देखें गिरने हार्बर पे मुझे मिले हैं पाकिस्तानी भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह आज इनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं और मुझे तो न्यू लग रहे हैं। जी भाई न्यू ही हैं। तो क्या नाम है आपका? सॉरी मैं वीडियो बना सकता हूँ वैसे? बना ले बना ले। अच्छा। मेरा नाम उमर अली है। अच्छा। मैं फैसलाबाद से हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे बैचलर करने आया हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। माशाल्लाह। अभी तकरीबन 6-7 दिन हुए हैं मैं आए को, तो इधर उधर हम बस चक्कर ही लगा रहे हैं, गिरने हार्बर इंजॉय कर रहे हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी में आए हैं? फाइनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आए हैं अभी। तो अभी कल हमने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज का टेस्ट दिया है, सही हो गया। तो अभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, क्या सीन होता है नेक्स्ट। सो चलें जी, ये अब नेक्स्ट अली भाई, अली रजा भाई, कहाँ से आप? फैसलाबाद। सही हो गया। सारे फैसलाबाद के तो नहीं हैं? फैसलाबाद से। अच्छा अच्छा। सेम डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सेम और सेम यूनिवर्सिटी। एंजॉय कर रहे हैं, 5-6 दिन हो गए हैं, हार्बर एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है साइप्रस? बहुत मज़े की जगह है, बहुत प्यारा व्यू है, बहुत मज़े की जगह। एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आप सबसे, लेकिन आप सब ने जो है ना आंसर इसके बेशक सोच लें। तो पहली जो बारी है वो इनकी है, मेरी हाँ आपकी है, वो ये कि आपने साइप्रस क्यों चूज़ किया और फाइनल यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, सोच लें। अगर कोई पहले जवाब देना चाहता है तो वो दे सकता है। सोचना पड़ेगा। चलें तो आप सोचें, मैं तब तक तो इनसे नाम वगैरह पूछता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दाऊदी साक है, सेम फाइनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और साइप्रस क्यों चूज़ किया? अभी यहाँ कुछ फ्रेंड थे। अच्छा। और फिर हमने इधर अप्लाई किया फाइनल यूनिवर्सिटी में, तो एडमिशन वगैरह हो गया, कुछ मतलब पता ही नहीं चला एडमिशन वगैरह का, टाइम कुछ इतना इंट्रोडक्शन ही मतलब नहीं किया। सही हो गया सब। अभी हम चलते रहे तो बस रैंडमली सारा कुछ होता गया। यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है और यहाँ का एनवायरनमेंट? मतलब यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट बेस्ट है अभी यहाँ के लोग, मैंने कहा मैंने नहीं कहीं देखे ना, मतलब अभी फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, तो बेस्ट एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छे लोग हैं इधर के, बहुत हेल्पिंग पर्सन है। और यहाँ जो एक मेन चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो ना, तो गाड़ी तकरीबन कोई 10-12 कदम दूर भी हो ना, तो वो रोक लें, वो कहेंगे नहीं गुजरो, हमने जाना है। नो डाउट, इस चीज़ की रिस्पेक्ट देते हैं जी। थोड़ा स्टार्ट से फिर बोलना है आपने, ऊंचे ही जरा, अगर कहते हैं तो एनर्जी ड्रिंक का आपको देता हूं। बोल देता हूं, कार अली रजा मेरा नाम है, मैं इनके साथ ही मतलब सेम क्लास है, सेम हमारा डिपार्टमेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने आए हैं यहां पे, फैसलाबाद से आए हैं मतलब। और फाइनल यूनिवर्सिटी? हां जी हां जी, सारे फाइनल यूनिवर्सिटी के यहां पे इकट्ठे हैं, यूनिवर्सिटी में आए हैं। सही, मतलब यहां पे बहुत अच्छा माहौल है, मतलब सब लोग बहुत अच्छे हैं, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है आप लोगों के साथ। ये मतलब आपको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं जो आपको पाकिस्तान में शायद मैं भी आप डिजर्व भी ना कर रहे हो, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये रोड क्रॉसिंग वाली बहुत अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान में तो ये ऐसे होता है कि आपको गुजरने ही नहीं देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है आपको, ऐसे कहेंगे कि आपको वो देख के चले जाएंगे। हां, वो देख रहे हैं ये बंदा आ रहा है, वो स्पीड बढ़ा देंगे। पाकिस्तान में ना वो स्पीड बढ़ा के दिखाया, मेरे पास गाड़ी है। यहाँ पे दो मेन चीज है, एक तो वो पाकिस्तानी को रिस्पेक्ट देते हैं, अभी पाकिस्तान और टर्किश मतलब ब्रदर भाई भाई हैं। और दूसरा ये जो बात की कि रोड क्रॉस कर रहे हैं ना अगर आप, तो आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, गाड़ी रोक लेंगे आपको, पहले गुजरे, आप कह भी दे नहीं आप गुजरे नहीं, नहीं कहेंगे नहीं, पहले आप गुजरो, पहले आप गुजरे फिर हम गुजरेंगे। ये बहुत मजे। वैसे आपको इस चीज का, इसकी पीछे की स्टोरी का पता है आप लोगों को? आप में से किसी को? चले मैं अब आपको इसकी पीछे की स्टोरी बताता हूँ कि ये हमें देख के गाड़ी क्यों रोकते हैं। अगर गाड़ी हमें हल्की सी भी टच होती है तो इन्हें 1000 यूरो से 1500 यूरो तक फाइन है। तो इसलिए ट्राई करें कि ये हमें गाड़ी मारे। एक्सपर्ट है, हाँ रुकेंगे फिर जाएंगे पैसे मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सही हो गया। सफर आप लोगों का कैसा रहा? सफर बहुत अच्छा रहा, कोई डिस्टरबेंस? अकेला आया हूँ ना मैं, तो ये तो तीन लोग अलग गए हूँ, मैं अकेला आया हूँ। मतलब मेरे तो ये होता था कि मतलब अभी फर्स्ट टाइम था, तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कहाँ से कहाँ पे जाना है, तो
मतलब तीन फ्लाइट थी वहाँ से, फैसलाबाद से लाहौर से दोहा, लाहौर से दोहा था, दोहा से फिर आगे मेरा अनकरा था, अनकरा से इधर फिर नॉर्थ साइप्रस में था, मतलब अकेला था, फिर थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मजा आया बहुत ज्यादा सफर का। सही होगा। टिकट की क्या प्राइस चल रही है वैसे? टिकट की तो मेरी तो जो इधर साइप्रस तक हुई है टिकट 243। रिटर्न करवाई थी? हाँ जी रिटर्न कराई। यहाँ पे आके रिटर्न का क्या किया है? रिटर्न का अभी सोच रहे हैं सब लोग है, क्या करें, रिटर्न ले लें ना लें। अगर सोच रही है, एडवाइस मेरे को मिल नहीं रही, कोई ऐसा बंदा नहीं, मैं देता हूँ इसकी एडवाइस। रिटर्न के बारे में बिलाल भैया था, सबने कहा रिटर्न लेनी है, रिटर्न लेनी है, बड़े कंफ्यूज थे, हर बंदा कहता था रिटर्न लाजमी लेके आना, लेकिन हमने पूरे रास्ते देखा किसी बंदे ने नहीं रिटर्न का हमसे पूछा, ना किसी ने पूछा हैंड कैश है, कुछ कैश है कि नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं पूछा हमसे। मेहनत हो रही है जरा। जी अली भाई, क्या बता रहे थे आप? एयरलाइन की पड़ी है 2 लाख और कोई 42,000 में, लेकिन उसमें रिटर्न का हमसे पूछा नहीं है किसी ने भी अब तक। एयरपोर्ट से हम इन हुए हैं, यहाँ पे आउट हुए हैं, किसी ने नहीं रिटर्न का पूछा, हैंड में कैश है, बाई हैंड कैश है कि नहीं, या रिटर्न टिकट है कि नहीं, कुछ भी नहीं पूछा हमने। कतर एयरलाइन की थी, टर्किश एयरलाइन की हमें बहुत महंगी मिल रही थी, 1-way टिकट ही हमें उसकी अराउंड मिल रही थी तकरीबन 3.5 लाख रुपये की। तो कतर एयरलाइन की थी, वो 3 हमारे स्टॉप थे उसमें, फैसलाबाद से हम आए हैं लाहौर से चली आया दोहा, कतर दोहा से इस्तांबुल और इस्तांबुल से यहाँ अरकन एयरपोर्ट नॉर्थ साइड। सही हो गया। अच्छा भाई, अभी जो टिकट का था ना इशू, बेसिकली ये मेरे ख्याल से जो अभी इसके बाद में स्टूडेंट ने अप्लाई करना है या जिन्होंने आना है ना, उनके लिए ये चीज़ हेल्पिंग होगी, क्योंकि हमें इस चीज़ में बहुत मसला हुआ था। जो हमारी वीज़ा पे रिक्वायरमेंट होती है ना, वो होती है या तो आप टर्किश एयरलाइन की 1-way टिकट करवा लें और साथ में $700 कैश लेके आएँ, ठीक है। अभी टर्किश एयरलाइन की आप करवाने जाएंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो 5 लाख के अराउंड और इससे ज़्यादा ही होगी, बहुत एक्सपेंसिव है। तो अभी हमने फिर दूसरा ऑप्शन चूज़ किया था, ये 2 ऑप्शन देते हैं वीज़ा पे, या तो आप टर्किश एयरलाइन करवा लें और $700 साथ शो करवा दें यहाँ पे इमिग्रेशन पे, तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप सिंपल रिटर्न टिकट करवा लें, कोई भी एयरलाइन हो, कोई भी एयरपोर्ट, नथिंग मैटर। तो फिर हमने रिटर्न का चूज़ किया, क्योंकि अभी अगर टर्किश की 1-way लेते, $700 साथ शो करवाते, हमने रकम तो साथ लानी थी, शो करवा सकते थे, लेकिन टर्किश एयरलाइन बहुत एक्सपेंसिव है, तो हमने रिटर्न टिकट मतलब चूज़ किया कि हम वो लेते हैं। फिर हमने फिर कतर एयरवेज़ की करवाई थी रिटर्न टिकट, लेकिन ये चीज़ें पहले में होती थी कि 1-way टिकट इधर हो जाती, 1-way उधर, पहले चल जाता था ये काम, लेकिन अभी पाकिस्तान में इमिग्रेशन पे चेक करते हैं, उसके बाद कहीं नहीं चेक करते कि रिटर्न टिकट है या नहीं। तो हमने कतर एयरवेज़ की करवाई थी, वो 242 में पड़ी थी हमें, और इसका रिफ़ंड होके तकरीबन, अगर हम रिफ़ंड करवाते हैं, जाते नहीं हैं वापस, तो अगर हम रिफ़ंड करवाते हैं तो हमें तकरीबन 195 की पड़ जाती है ये, तो ये बेटर थी, क्योंकि हमें था कि हम मोस्टली सिक्योर रहें, कोई ज़्यादा रिस्क ना लें, तो इसलिए हमने रिटर्न टिकट करवाई थी कतर एयरवेज़ की। इसमें 2 स्टॉप थे मैक्स, दोनों का मिला के 6 घंटे का स्टॉप था, तो हम वहाँ से 4 बजे चली थी तकरीबन, नहीं 9:45 पे चली थी फ़्लाइट, और हम रात को तकरीबन 10 बजे इधर थे, तो 6 घंटे का इसमें स्टे था, 4 घंटे का दोहा पे था, और यहाँ इस्तांबुल में था तकरीबन 1.5-2 घंटे का था। तो ये फ़्लाइट बेस्ट रही थी, जो इरकन से आगे है ना पिगासस, बहुत गंदी फ्लाइट है भाई, छोड़ दो। मैंने कहा भाई राजा टाइम है वो, हाँ राजा टाइम है बिल्कुल, वो डराते हैं भाई, वो कहते हैं कि दोबारा इस तरफ आए ना तो बस छोड़ दो, कान बंद हो जाते हैं। ये पूरा सफर है, तो होता है ना कि कोई अंदर कोई सहूलत मौजूद हो, कोई चीज, कोई चीज प्रोवाइड नहीं की हुई उन्होंने, कोई चीज नहीं, सिंपल आपने बैठना जाकर खाने के लिए कुछ नहीं, अगर खाने के लिए लेना तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा करना पड़ता है, हर चीज पे, और पे भी सिर्फ कार्ड पे होता है, आप मतलब डॉलर वगैरह या कोई उनकी करेंसी पे नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल भी पे नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। इतनी गंदी फ्लाइट है मैंने आज तक नहीं देखी, कतर एयरलाइन बहुत अच्छी फ्लाइट है, पूरा सफर ना। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था जब साइप्रस एंटर हुए? आपका सेम अच्छा था, अच्छा, हमें यहाँ से लेने के लिए आया हुआ था, एक दोस्त थे वो लेने के लिए आए हुए थे, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, प्रोटोकॉल मिल गया था हमें, सही हो गया, यूनिक प्रोटोकॉल लगता, लेकिन हमने लिया नहीं, यूनिक बस को हमने बाय बाय, वो भी बोर्ड पकड़ के खड़े हुए थे, भाई आ जाओ आ जाओ, हम इससे बाढ़ के मिल रहे हैं।
अपनी लोकेशन बतानी थी इनकी, ये लोग फ्रेंड्स कहाँ पे है। पहले तो वो कह रहे थे हमको आपको सिटी में उतार देंगे, मतलब पहले वहाँ पे लोकेशन के पे नहीं उतारेंगे जहाँ पे आपके फ्रेंड है। फिर उनको अपनी लोकेशन दिखाई है, फिर उन्होंने उनसे बात की है बड़ी मुश्किल, फिर इन फ्रेंड्स के पास उन्होंने उतारा है और रात 10-11 बजे पहुंचा हूं। सबसे पहले 5 घंटे उधर बैठा रहा हूँ, 3 से 2.5 घंटे मेरे मुझे रास्ते में लगे, 8 घंटे मेरा ये साइप्रस घूमा है ना भाई ने, पहले पूरा साइप्रस घुमाया उन्होंने बारी बारी। आप सबको मेरी ये एडवाइस है और भाइयों वाली एक मतलब बात भी कहना चाहूँगा कि साइप्रस बहुत खूबसूरत कंट्री है स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे कोई रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप स्टूडेंट हो इतने घंटे काम करो, इतने घंटे काम करो, स्टडी करो, जितने घंटे आप लोगों ने काम करना है आप लोग करो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने घंटे काम करना है। दिल लगा के पढ़ो, सब काम होंगे, टेंशन नहीं लेनी। बस आए हो घर से इतनी दूर तो अब पता चलेगा कि परदेश की लाइफ कैसी है। नहीं लाल भाई अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह फील नहीं हो रहा है, 4 हो गए, 1.5 हफ्ता हो गया तकरीबन, 4 दोस्त हैं, बोर नहीं होने देता कोई। नहीं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्राई करो। फील बिलाल भाई इसलिए होता कि हम एक साथ बैक पे स्टडी भी की है, एक साथ ही सब बैकग्राउंड भी जरा साथ गुजरे ना, साथ गुजरा है तो चलो यार ये बहुत अच्छी, दूसरे के साथ है तो मतलब एक कंफर्टेबल है दूसरे के साथ, ये भाई नहीं बोल सुकून पसंद है, सुकून पसंद है, नहीं सुकून पसंद ही, मैं कम ही बोलता हूँ, आप कम ही बोलते हैं, ये सिर्फ सब बोलता है जब इसको बहुत ज्यादा भूख लगी हो या नींद आ रही हो, भूख लगी हो या इसे सोना हो या इसे बहुत इसे नींद आई हो। चलो यार काफी ज्यादा आज आप लोगों के साथ गपशप हो गई, काफी अच्छा लगा। और ये गिरने हार पर जो है ना बेसिकली बहुत ही सुकून वाली जगह है, जब भी आप लोग मेंटली डिप्रेस्ड हो या सुकून चाहते हो ना तो गिरने हार पर आ जाएं। बिलाल भाई एक और चीज, जी जी कितनी चीजें आपने बतानी है मुझे बता दें। बाकी यहाँ पे आने से पहले या यहाँ पे आने के बाद कोई चीज़ जो हमें नहीं ना समझ आ रही होती भी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश एग्जाम है या कोई भी नॉलेज हमें चाहिए, फ़ौरन बिलाल ब्लॉग्स हर चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है यहाँ से रिलेटेड। अगर कोई वीडियो नहीं है कॉल कर लो, कॉल कर लो, मैसेज कर लो, रिप्लाई देता हूँ कि नहीं आ जाएगा, मुझे तो आ रहा है। बिलाल भाई आपकी वीडियोस देखकर काफी हेल्प हुई है, मतलब बहुत ज्यादा हेल्प हुई है, मतलब चलो बहुत ज्यादा मैं गाइड किया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बस एंड पे कह दो कि लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। लाइक जरूरी है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।